हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 टैबलेट्स अंडर 15,000 रुपीज। एंड ट्रस्ट मी, बहुत बढ़िया बढ़िया लैपटॉप मैंने यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करके रखे हैं। आपके हर एक पैसे को ये लैपटॉप जस्टिफाई करते हैं। मैंने इन्हें रिवर्स ऑर्डर में शॉर्टलिस्ट करके रखा है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। नाउ विद दैट सेड, लेट्स गेट डाउन टू द बिजनेस। नंबर 5 पर है सैमसंग गैलेक्सी टैब A9 प्लस। अब दोस्तों, ये लैपटॉप सैमसंग की तरफ से आता है तो ऑलरेडी काफी रेप्यूटेड ब्रांड है। इसके स्पेसिफिकेशन आप देख लीजिए, मैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव आपको बताता हूं। दोस्तों, ये काफी वेल बैलेंस्ड लैपटॉप है। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 6375 चिपसेट के साथ 8GB रैम और 128GB रोम का सपोर्ट देखने मिल जाता है। 11 इंचेस की LCD पैनल वाली डिस्प्ले है जो कि 90 हर्ट्ज को सपोर्ट करती है, तो काफी स्मूथ सा एक्सपीरियंस आपको इसके साथ मिलने वाला है। ऊपर से इसमें आपको एक डिसेंट साइज की 7000mAh की बैटरी देकर रखी है, प्लस सैमसंग की तरफ से आता है, तो सैमसंग फैन के लिए तो भाई ये नो ब्रेनर है। डेफिनेटली आप इसे पिक कर सकते हो। अभी के टाइम पे ये 16,000 रुपये का मिल रहा है, लेकिन सेल में इजीली आपको 1.5 से 2,000 रुपये तक के डिस्काउंट आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे, और अंडर 15,000 आप इसे बड़े आराम से खरीद सकते हो। सारे टैबलेट्स के लिंक एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, गो चेक देम आउट। और नंबर 4 वी हैव रियलमी पैड 2। दोस्तों, ये टैबलेट रियलमी ने कुछ समय पहले ही लॉन्च कर दिया, एकदम लेटेस्ट लॉन्च तो ये नहीं है, लेकिन हाँ इसके स्पेसिफिकेशन बहुत कमाल के है, तो आज के दिन भी इसे लेना सेंस बनाता है। सबसे पहले तो इसका डिस्प्ले, बहुत कमाल का डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने मिलता है। 11.5 इंचेस का 2K रेजोल्यूशन वाला 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले, तो भाई स्मूथ बटरी एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। और इसे एंश्योर करने के लिए इसमें लगा हुआ है मीडियाटेक हीलियो G99 CPU, 6GB रैम और 128GB का स्टोरेज है, तो इनफ है आपके डे टू डे यूजेस के लिए। लाइट गेमिंग के लिए, रीडिंग वगैरह करना चाहो तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया ये सेंस बनाता है। अच्छी बात यह है कि इसमें आप वाईफाई और LTE दोनों का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने मिलता है, तो आप इसमें सिम वगैरह लगाना चाहो तो वो ऑप्शन आपको है। एक बात कहना चाहूंगा, इसमें ना कोई भी कलर गैमेट की इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब डिस्प्ले में कलर कितने एक्यूरेट है उसकी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे कहीं पे भी नहीं मिली। तो अगर आप इसमें कलर रीडिंग वगैरह करना चाहते हो या फिर एक्सटर्नल मॉनिटर के जैसे इसे यूज करना चाहते हो, तो आपके लिए शायद और कोई टैबलेट बेटर होगा। इजिली आपको 15,000 मिल जाएगा, डिस्काउंट वगैरह लगा लो तो 13-13,500 रुपए तक ये बहुत ही आराम से आपको मिल सकता है। नंबर 3 पर है Redmi Pad SE। Redmi की तरफ से आने वाला ये बहुत ही पॉपुलर टैबलेट है, बहुत ज्यादा Redmi वालों ने इसे बेचा है, और हाँ इसके स्पेसिफिकेशन अच्छे हैं, पॉजिटिव फीडबैक वगैरह भी इसे मिला हुआ है। इसमें भी आपको 11 इंचेस का एक फुल HD 90 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले देखने मिल जाता है। 4 स्पीकर्स इसमें देकर रखे हैं, तो स्पीकर्स और डिस्प्ले दोनों ही काफी अच्छे हैं। प्लस इसमें 8000mAh की बैटरी देकर रखी है, तो डिसेंट सा बैटरी बैकअप आपको इसमें मिल सकता है। अच्छी बात यह है कि एक फुल मेटल बॉडी के साथ आता है, और इसके साथ ये लाइट वेट भी है। मुझे इसकी सबसे अच्छी बात लगी इसकी प्राइसिंग, ये बहुत ही अच्छे प्राइसिंग पे आता है। 13,000 रुपए में इसका 8GB 128GB वाला मॉडल आपको देखने मिल जाएगा। डिस्काउंट वगैरह लगा लो तो 11-10,500 रुपए तक आप इसे ले सकते हो। नंबर 2 पर है Honor Pad X9। अब दोस्तों, ये जो टैबलेट है ये थोड़े समय पहले लॉन्च हुआ है, लेकिन इसके स्पेसिफिकेशन बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। इसमें आपको ऑसम डिस्प्ले देखने मिल जाता है, 11.5 इंचेस का 2K 120Hz वाला डिस्प्ले। अच्छी बात यह है कि ये 100% sRGB कलर गैमेट को सपोर्ट करता है, तो अगर आपका प्लान है कि इसे लैपटॉप के साथ या फिर मॉनिटर के साथ एडिशनल डिस्प्ले जैसा यूज़ करें, तो वहाँ पे आप इस टैबलेट के साथ बिल्कुल भी गलत नहीं जाओगे। इसमें आपको 6 स्पीकर्स देखने मिलते हैं, तो भाई साउंड एक्सपीरियंस भी इसका बहुत बढ़िया है। स्नैपड्रैगन 685, 8GB रैम और 128GB का स्टोरेज आपको इस टैबलेट में देखने मिल जाएगा। ये भी फुल मेटल बॉडी के साथ आता है, इसकी बैटरी बैकअप भी डिसेंट है, और इसके बॉक्स में इसका कवर Honor वालों ने इंक्लूड किया है, तो भाई ये भी एक अच्छी बात है। एक्स्ट्रा चीजें किसे नहीं पसंद। प्राइसिंग की अगर बात करूं तो अभी के टाइम पे 15,000 रुपए तक मिल रहा है, और इसकी डील प्राइस 13,500 रुपए है। नंबर 1 पे है Lenovo Tab M11। दोस्तों, क्या ही टैबलेट Lenovo ने बनाया है यहाँ पे, और ये एक लौता ऐसा लैपटॉप है जो कि इनबिल्ट पेन आपको सपोर्ट करता है, बॉक्स में आपको चार्जर वगैरह मिल जाता है, तो एडिशनली बस आपको बस कवर खरीदना है एंड यू आर रेडी टू गो। और ऐसा नहीं कि पेन बस देने के लिए दे दिया, इसमें प्रॉपर प्रेशर सेंसिटिविटी आती है, पाम रिजेक्शन आता है, टिल्ट का सपोर्ट है, डिस्प्ले भी 90 हर्ट्ज वाली है, और 72% NTSC के कलर गैमेट के साथ आती है, तो भाई काफी थॉट प्रोसेस इसके साथ गया हुआ है। तो डिस्प्ले बढ़िया है, CPU, RAM, ROM सब कुछ 15,000 रुपए के हिसाब से बहुत ही अच्छा इस टैबलेट में आपको देखने मिलता है। ये टैबलेट एक ऑलराउंडर टैबलेट है, भले आप इसमें कॉन्टेंट कंज्यूम करो, गेमिंग करो, ड्रॉइंग वगैरह करो, या फिर सिंपली एज अ एक्सटर्नल मॉनिटर के जैसे इसे यूज करो,
किसी में भी आपको यह निराश नहीं करेगा। अभी के टाइम पे इसकी प्राइसिंग भी देखो 14,000 रुपीज़ चल रही है। सेल टाइम में बहुत ही आराम से आप इसे 12,000-12,500 रुपए के रेंज में खरीद सकते हो। तो दोस्तों ये थे वो टैबलेट्स जो कि 15,000 रुपए के बजट में बहुत ही क्रेजी वैल्यू आपको ऑफर करते हैं। एज आई सेड सारे टैब्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, गो चेक देम आउट। मिलता हूँ जल्दी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।